गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 11 मई आनंद रस रत्नाकर आज के पृष्ठ का शीर्षक है प्रतीक्षा करो और आशा रखो। आज का पृष्ठ लिया गया है परम पूज्य महाराज जी के जो बंबई में प्रवचन हुए थे उद्धव ब्रज गमन। भगवान ने उद्धव को संदेश देकर भेजा ब्रज में, तो किस प्रकार से उद्धव वहाँ ब्रज में पहुँचकर नंद बाबा यशोदा गोपियों को भगवान का संदेश देते हैं और स्वयं उद्धव को क्या क्या अनुभव होते हैं वहाँ ब्रज में, उद्धव के बारे में उद्धव जी के बारे में वर्णन आया है कि ये भगवान के पूर्ण विश्वास पात्र थे। भगवान इनसे कोई बात नहीं छिपाते और इनकी भी भक्ति भगवान के प्रति अद्भुत थी। इनका प्रेम ये बृहस्पति के शिष्य थे, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनसे उद्धव जी को शिक्षा प्राप्त हुई थी और ज्ञानी थे। ज्ञानी के साथ ही साथ भगवान कृष्ण से जो प्रेम था वो तो हम लोग देखते ही हैं, पर ब्रज में भगवान ने जो इनको संदेश दे के भेजा उसमें एक रहस्य ये भी था कि जैसी भक्ति होनी चाहिए, यानी जैसी गोपियों की भक्ति, नंद बाबा और यशोदा की भक्ति, भक्ति का अर्थ है प्रेम, तो जैसा प्रेम ये ब्रज के लोगों में था, ब्रजवासियों में था भगवान के श्री चरणों में, भगवान चाहते थे कि उद्धव उसको देखे और उसको समझे कि वो जो अपने ज्ञानी बने का उसको अभिमान है। यहाँ पर भी एक बात ये ध्यान देने की है कि भगवान ने अंतिम समय में जब वे उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं ये लीला हमारी पूरी हो चुकी है और मैं वैकुंठ को लौट जाऊंगा, तो उस समय उद्धव को जब उनका ये निश्चय पता लगा तो श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में वहाँ ये प्रसंग आया है कि भगवान के पास उद्धव जी गए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह पाऊँगा, मैं भी आपके साथ ही वैकुंठ के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। पर भगवान को उद्धव से बहुत बड़ा काम लेना था, तो इसलिए भगवान ने वहाँ पर कई अध्यायों में, बल्कि एकादश स्कंद में मुख्य जो है वो 28 के करीब अध्याय उद्धव जी को जो उपदेश दिया है, शुरू के 3-4 अध्याय छोड़कर बाकी पूरा का पूरा एकादश स्कंद उद्धव को ज्ञान दिया है भगवान। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया,
तो कहने का अर्थ यह है कि इस समय जो आज का हम प्रसंग पढ़ रहे हैं, पुस्तक में लाया हूँ, तो यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि ज्ञान तो उद्धव को अंत में जाके हुआ, जब भगवान अपनी लीला स्मरण किए, उसके पूर्व जो उन्होंने उपदेश किया, असली ज्ञान तो तब हुआ। तो ये जो ज्ञान बृहस्पति द्वारा जो उनको मिला, इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। ये दो शब्द प्रचलित हैं वेदांत में, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है कि बुद्धि में इतना व्यक्ति मेधावी है कि कोई भी बात समझा लेगा, ज्ञान की बहुत गहरी से गहरी बात को स्वयं भी समझ लेगा, पर अनुभव यानी वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान में जो ये कहा जाता है कि तत्त्वमसि, तुम ही परमात्मा हो, तो मैं परमात्मा हूँ, ये जब तक सम्यक बोध, थोड़े पारिभाषिक शब्द हैं, सम्यक बोध का अर्थ है बिना संशय बिना विपर्यय के ये ज्ञान होना कि वो परमात्मा मैं ही हूँ। मैं ही का मतलब ये शरीर नहीं, वो जो आत्मा है, वेदांत बताता है कि वो ही परमात्मा है, यानी शरीर से पूर्ण वैराग्य। शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार जितना ये सब दिखता है, उससे पूर्ण वैराग्य और उसमें निष्ठा कि वो मेरा स्वरूप है, उसको कहेंगे अपरोक्ष ज्ञान। तो ये परोक्ष ज्ञानी थे। अपरोक्ष ज्ञान तो इनको फिर भगवान ने जब एकादश स्कंद में अपने लीला स्मरण के पूर्व जो उपदेश दिया है, वहाँ जाके उद्धव जी को ज्ञान हुआ अपरोक्ष ज्ञान। तो ये जो परोक्ष ज्ञानी उद्धव, कभी कभी मथुरा में जब भगवान अपने प्रेमियों का स्मरण करके अश्रुपात होता था उनको, उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य होता था कि इस प्रकार भगवान जो है, अरे भाई ये तो चाहते तो उनको अपने प्रेमियों को ज्ञान दे देते, है ना, ये सोच रहे हैं कि वो मेरे विरह में इतने दुखी हैं और उस दुख को स्मरण करके स्वयं अश्रुपात कर रहे हैं। तो कभी कभी उद्धव जी उल्हाना भी देते थे भगवान को कि आप जब वहाँ इतना रहे ब्रज में, तो कम से कम गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा को ज्ञान दे देते। इस प्रकार से आप भी रोते हैं और वो विरह में रो रही हैं, इसकी आवश्यकता ही कहाँ। तो भगवान मन ही मन ये विचार करते कि अभी उद्धव अपने को ज्ञानी मानता है, यानी परोक्ष ज्ञानी है, और जब हम इसको संदेश लेके भेजेंगे ब्रज में, तब इसको पता लगेगा कि प्रेम क्या चीज है। तो आज के प्रश्न में भी ये भूमिका मैंने इसलिए बनाई कि प्रश्न तो हम पढ़ लेंगे, पर इसी के संदर्भ में ये महाराष्ट्र का ये इतना सा अंश यहाँ लिया गया है, वो सुनने लायक है। तो थोड़ा सा अंश उसका मैं सुनाऊँगा, पहले पृष्ठ को देख लीजिए। समय कोशिश करेंगे आधे घंटे का ही ये रहे, क्योंकि कभी कभी 40 मिनट भी हो जाती है, तो आधे घंटे की सीमा रखना। 4-5 मिनट आगे पीछे कोई बात नहीं, पर नहीं, कहने का मतलब समय का बड़ा आदर होना चाहिए, तो उसमें यानी उसी उतने ही समय में आपको दे दिया जाएगा जो हम लाए हैं। प्रतीक्षा करो और आशा रखो। शुरू में बता रहे हैं कि इसके लिए थोड़ी तपस्या की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे में धैर्य नहीं है, तो यहाँ धैर्य की बहुत आवश्यकता है अध्यात्म में। मैंने एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि सिद्धि क्या चीज़ है, तो वे बोले बर्दाश्त करो, यही सिद्धि है। तो प्रकरण लंबा है, पर आगे आवेगा इसी आनंद रसरत्नाकर में।
यहाँ पर महाराज जी को यह बताना है कि कोई भी चीज़ मीठी तभी होती है जब आँच पर पका ली जाती है या गर्मी में पका ली जाती है। गर्मी में आप देखोगे नींबू जैसी चीज़ जो ऐसे आप नींबू का छिलका खाओ तो कैसे खाओगे, परंतु वो गर्मी में और उसमें नमक में डाल के तो वो भी गर्मी है नमक की, उसमें पक जाता है तो वो छिलका भी खाने लायक हो जाता है अचार। तो या तो आँच पर पका लो, यहाँ बैठी है उषा और कीर्ति, तो आँच पर पकाने से मीठी हो जाती है। ये तो हो गया दृष्टांत। अच्छा, जो चीज़ आँच सहने से इनकार करती है, कहती है कि आग पर नहीं चढ़ूंगी, वह पकेगी कैसे, मीठी कैसे बनेगी? यानी हम लोग जब कहते हैं कि भाई इसमें तो तपस्या है, इसमें तो जल्दी उठो, सुबह भगवान का भजन करो, पाठ करो, है ना, सुंदरकांड का पाठ करो, हम कहते हैं तरुण को भाई एक महीना ही क्यों, सुंदरकांड का पाठ पूरे 12 महीने क्यों नहीं, है ना, इसका बड़ा महात्म्य है। वो तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, एक महीना अपना जो है नियम ले लिया, पर प्रतिदिन होना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि जो चीज़ आँच सहने से इनकार करती है, कहती है कि आग पर नहीं चढ़ूंगी, तो उसमें मिठास नहीं आवेगा। अगर तुम अपने दिल को मीठा बनाना चाहते हो तो उसे तपने दो, पकने दो, डरो मत, है ना। तो ये जो पकना और तपना है, कल्पना करो कि भाई यहाँ हम सेवा कर रहे हैं, सेवा का ये अपना जो भी कर्तव्य है कर्मचारी के रूप में भी, तो अब उसमें लगता है कि भाई यहाँ तो बड़ा बवाल है, यानी यहाँ बवाल है नहीं पर एक धारणा बन जाती है व्यक्ति की, है ना। हमारे शुक्ला जी को क्या तकलीफ थी, पर उनकी धारणा बन गई। यानी आप कल्पना करिए कि पति पत्नी को 5-5 हज़ार रुपया मिल रहा है और वो व्यक्ति जाके उसका आधा भी नहीं, 2100 में अपना वो इस प्रकार का मन बना लिए। तो पकने में व्यक्ति का होगा क्या? यहाँ शर्मा जी ने इतना ट्रेंड कर दिया उनको, जो भोजन वो पहले बनाते थे, है ना, स्वयं शर्मा जी कहते थे कि इतना सीख गए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर तुम अपने दिल को मीठा बनाना चाहते हो तो उसे तपने दो, पकने दो, डरो मत, है ना। तो उसके लिए थोड़ा धैर्य आवश्यक है। श्री वल्लभाचार्य महाराज तथा श्री रामानुजाचार्य महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में ताप आता है तब वह रसायन बनता है। एक ताप का दृष्टांत दिया, दूसरा समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन का आगे दृष्टांत दे रहे हैं। मंथन में पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला, तो वहाँ पर भी धैर्य चाहिए। जब तक मंथन न होगा तब तक हृदय में अमृत कैसे प्रकट होगा? तो अमृत तो अंत में जाके प्रकट हुआ ना। तो जब तक विष की ज्वाला निकल न जाए, मुख्य बात यही है, शुरू शुरू में जो भी हम कार्य करते हैं कहीं भी जाके, है ना, हमारे कमल जी आनंद भवन में या कहाँ रहे, उसके बाद यहाँ आए, है ना, तो शुरू शुरू में हमेशा ऐसा ही लगता है कि भाई वहाँ बहुत अच्छा था, है ना, यहाँ हम नहीं निभा पाएंगे। तो ये क्या है? ये विष है। तो ये विष की ज्वाला जब निकल जाती है, है ना, दिल में उफान आता ही है शुरू शुरू में, तो वो जब निकल जाता है उसके बाद शीतलता का अनुभव होता है। अगर व्यक्ति धैर्य नहीं रखेगा तो जैसे ही विष निकला फिर वो स्थान छोड़ दिया, दूसरी जगह चला गया, है ना, फिर वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई ऐसा थोड़ी है, अपना ही मन हम लेके जाते हैं। कल हमने सुनाया जहाँ भी हम जाएंगे अपने ही मन को लेके जाएंगे। तो जब ये पूरा का पूरा अध्यात्म जो है वो अपने मन को ठीक करने का, इसीलिए उड़िया बाबा जी ने शुरू में किया, शुरू में कहा, महाराज ने उस बात को कहा कि बाबा को हमने पूछा कि सिद्धि क्या है, तो बर्दाश्त करना ही सिद्धि है, यानी सहन करना ही सिद्धि है।
तो अंत में दूसरे पैराग्राफ के अंत में महाराज जी कह रहे हैं कि जो दुख सहने के लिए तैयार होता है उसी को सुख शांति प्राप्त होती है। हमारे गर्ग जी को देखो कितने वर्षों से है ना एक स्थान में काम कर रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है, है ना। तो जो दुख सहने के लिए तैयार होता है उसी को सुख शांति प्राप्त होती है। आज राजेंद्र का पूर्ण विश्वास है ना, कोई भी कार्य तो उनको पता है, आँख मीच के इनको कह सकते हैं। दो तीन दिन पहले आया था एक भैया जी, वहाँ बम्बई में काम कर रहे थे, अब वो उनका तो कोई दोष नहीं था, पर वो 10,000 रुपये गड़बड़ा गए कहीं से, कुछ हो ही गया, लोग गड़बड़ करने वाले बहुत होते हैं। और उस सेठ ने क्या किया, सेठ ने 150 रुपये प्रतिमाह काटना शुरू कर दिया उनके वेतन से। अब वो भैया जी तो बहुत धार्मिक थे, पर अब चूँकि उनके द्वारा जो भी प्रमाद हुआ या जो भी हुआ, यानी 5-5 लाख रुपया सेठ दे देता था और कोई कुछ गड़बड़ नहीं होती थी। तो आप लोग वो प्रसंग सुन चुके हैं, हनुमान प्रसाद जी पोदार और सेठ जी के मित्र थे, वहाँ बम्बई आए हुए थे और उनकी इस घटना का पता लगा कि 150 रुपया उस बड़ा धार्मिक था वो व्यक्ति, तो एक प्रश्न पूछा सेठ को कि तुम्हारी दृष्टि में ये ईमानदार है या बेईमान है। सेठ ने स्पष्ट कहा कि ये ईमानदार है। तब भाई जी ने उस सेठ की बुद्धि में ये बात डाली कि देखो सुनो, अगर ये ईमानदार है ना, तो फिर ये काटना तुम्हारा 150 रुपया वो ठीक नहीं, अगर ये बेईमान है तो फिर इसको यहाँ गद्दी पे रखना, गद्दी का मतलब कार्यालय में रखना उचित नहीं, निर्णय करो। सेठ जी को बहुत मानता था, सॉरी भाई जी को, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को बहुत मानता था वो। उसने निर्णय लिया कि जितना अब तक हमने काटा है उसको लौटा देंगे और इस प्रकार से वो ईमानदार है। जैसे ही उसको कर्मचारी को बताई गई ये बात, वहाँ ठाकुर जी थे, उन्होंने साष्टांग ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया और सेठ को कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं भजन करूँगा। और वही भैया संन्यास लेके कृष्णानंद स्वामी, श्री कृष्णानंद जी महाराज बम्बई वाले, बम्बई वाले उनके पीछे नाम लग गया। इतना गजब का पावन प्रसंग में महाराज ने चित्रण किया है उसी भैया का, कितने प्रसिद्ध महात्मा हुए वो आगे चल के। तो कहने का मतलब पूरा विश्वास हो जाता है व्यक्ति पर। तो कब होता है, पहले शुरू में दुख सहने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, उसी को सुख शांति प्राप्त होती है। तो ये क्या सूत्र है आज के पृष्ठ में, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो और आशा रखो, ये आज के पृष्ठ का शीर्षक है, प्रतीक्षा करो और आशा रखो। आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। शबरी के मन में सब लोग जानते हैं प्रसंग, गुरुजी ने बता दिया था कि भगवान राम आवेंगे, बस गुरुजी ने बता दिया, पूर्ण विश्वास। और प्रतिदिन वो आश्रम साफ कर रही है, बेर रख रही है, आज आ जावे पता नहीं, यही तो नहीं बताया कि कब आवेंगे। तो शबरी के मन में आशा बंधी हुई थी और वह प्रतीक्षा निरत थी कि अब राम आएंगे, अब राम आएंगे। एक भोजपुरी गीत की पंक्ति है, शबरी देखे ले सपनवा आज घर राम आई है ना, मतलब यह है कि शबरी रोज सपना देखती है कि आज हमारे घर राम आएंगे, जरूर आएंगे। तो ये तो महाराज ने शबरी का दृष्टांत दिया। अब हम लोगों के लिए ये जो अंतिम पैराग्राफ है बहुत गजब का है। महाराषि कह रहे हैं, जो श्रोता है महाराषि के सामने, तो तुम ये विश्वास रखो मुझको भगवान मिलेंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन होगा और इसी जीवन में भगवत तत्व का साक्षात्कार होगा। इस प्रकार क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि सुनने वालों में बहुत से लोग वेदांती हैं, वो कहते हैं हमको तत्व साक्षात्कार चाहिए, तो उनके लिए भी कह दिया। बहुत से भक्त हैं सुनने वालों में, वो कहते हैं हमको इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन चाहिए। तो जितने श्रोता हैं है ना, उनको उनके अनुसार जो वो चाहते हैं वो उनको अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा, अब प्रश्न ये उठा कि महाराज लग तो नहीं रहा है कि होगा, उसमें कारण बता रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो कमजोरियां हैं उन्हीं के कारण निराशा होती है, और ये अनुभव होता है कि हमारा मन चंचल है तथा हमारे मन में वासनाएं। भाई आखिर में जो बैठे हैं श्रोता, तो ये जैसे शबरी का विश्वास है और जैसे महाराष्ट्र हम लोगों को अपने इस प्रवचन में विश्वास दिला रहे हैं, वो विश्वास हमारा क्यों नहीं बनता, उसमें कारण बता रहे हैं। एक तो मन की कमजोरी, दूसरा भाई हमारा मन इतना चंचल है, अभी भी विषयों में हमारी आसक्ति है ना। वासनाओं का मतलब वासनाएं यही है, संसार की वासनाएं। तो महर्षि अब सामान्य व्यक्ति के लिए बता रहे हैं कि माना हम स्वीकार करते हैं कि तुम्हारे मन में वासनाएं हैं, पर तुम सत्संग भी तो कर रहे हो भाई, तुम्हारे मन में ये भी तो है कि हमको भगवान का दर्शन चाहिए, वेदांती लोग ये भी तो चाह रहे हैं कि हमको तत्व साक्षात्कार चाहिए। सिर्फ व्यक्ति चाहे और करे कुछ नहीं है ना, तब तो महाराज ये बात नहीं कह सकते। पर देखते हैं वो जो सामने बैठे हैं कितने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं है ना, तो इसलिए महाराज को कहना पड़ रहा है कि माना कि तुम्हारे मन में वासनाएं हैं है ना, पर एक ऐसी शक्ति है ये जो ठाकुर जी हैं, वो तो एक क्षण में सब वासनाओं को दूर कर सकते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं लेकिन प्रतीक्षा करो, वह समय शीघ्र आने वाला है जब वासनाओं का अशांति का अंधड़ और तूफान शांत हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि हमारे किए तो कुछ होगा नहीं, हम तो इतना संकल्प करते हैं, इतना निश्चय करते हैं, इतना नियम बनाते हैं और फिर टूट जाता है, हैं? तो महाराज कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इसमें मन की कमजोरी को नहीं रखना है ना, वासनाएं हैं हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, परंतु सत्संग करते रहो, जो गुरु ने बताया है वो नियम करते रहो। और अब ये जो आखिरी चार पांच पंक्तियां हैं वो गजब की हैं। महर्षि कहते हैं कि वह समय शीघ्र आने वाला है जब वासनाओं का अशांति का अंधड़ और तूफान शांत हो जाएगा। अरे भाई जितने यहाँ महापुरुष आए, रमणानंद जी और जिनका मैं नाम लेता हूँ बार बार है ना, तो क्या उनको ऐसे झटके में हो गया क्या? कितना उन्होंने सत्संग की, कितना उन्होंने जप किया, कितना उन्होंने, अब हम कहने को तो कह देते हैं, दत्तावधू जी का नाम ले लेते हैं, और हम लोग कल्पना करें कि कितनी उन्होंने साधना की होगी है ना, करोड़ों का जप उन्होंने किया है, ये जो महापुरुष यहाँ आके रह के गए करोड़ों का, सामान्य महापुरुष नहीं। तो अब जब उन्होंने इस प्रकार लगे रहे, तो महाराज कह रहे हैं कि हमको आपको भी लगे रहना है, वासनाएं हैं, हम लोग इसको स्वीकार करते हैं, मतलब महात्मा लोग इसको स्वीकार करते हैं कि हमारा अभी वासनाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, पर अब आश्वासन दे रहे हैं क्योंकि हम लोग सत्संग कर रहे हैं, लगे हुए हैं है ना, ओंकारेश्वर महादेव की स्तुति, यहाँ सुबह मंगला आरती, शाम को आरती और अपना परिक्रमा और जिसके जो जो नियम है पाठ के, क्या कह रहे हैं महाराज जी, विश्वास रखो और उस घड़ी की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे मन में न विकार होंगे, न वासना होगी और न चंचलता होगी। अरे चमत्कार हो गया, कैसे हुआ? यही ठाकुर जी की कृपा है ना। अब महाराज क्रोध आ ही नहीं रहा है, पहले बड़ा क्रोध आ जाता था, बड़ा उल्टा सुल्टा बक देते थे, अब कोशिश करें तब भी क्रोध नहीं आ रहा है। यही तो विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, तो इसको हटाने का कितना प्रयत्न किया, कुछ नहीं हुआ।
और इधर भगवान ने कृपा करी और देखिए क्या चमत्कार हुआ। कह रहे महाराज जी विश्वास रखो और उस घड़ी की प्रतीक्षा करो, यानी जितने हम लोग बैठे हैं सबके जीवन में वो घड़ी आवेगी। अगर हमने यहाँ प्रयत्न किया इसी जन्म में तो इसी जन्म में आवेगी, नहीं उतना प्रयत्न कर पाए लगे रहे संसार में, है ना। इसमें आज बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने पढ़ी सुबह, महर्षि ने बताया है कि धार्मिक जीवन बहुत जरूरी है। हम अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे, भगवान नहीं कर सकते। इसलिए ये जो सत्संग है वो पहले तो हमको धार्मिक जीवन हमारा बने इसके संस्कार डालेगा, और जैसे ही धार्मिक जीवन बना नहीं, वासनाएं रहें, वासनाएं मतलब हमारी कामना है कि हमको भाई है ना यहाँ ज़्यादा वेतन मिले, ज़्यादा हमारा परिवार में सुख समृद्धि हो, तो ये चाहना कोई गलत नहीं है, यही तो वासना है। हर व्यक्ति कोई सन्यासी थोड़ी है। तो यहाँ महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं कि धार्मिक जीवन बहुत जरूरी है। महर्षि के शब्दों में मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, वहाँ एक सेठ का दृष्टांत भी दिया है। विश्वास रखो और उस घड़ी की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे मन में न विकार होंगे, न वासना होगी और न चंचलता होगी। यानी यही चमत्कार वो व्यक्ति अनुभव करेगा। पहले इतना मन चंचल था, इतनी वासनाएं थी, इतने विकार थे, अब वो सब कहाँ गायब हो गए। ये है ठाकुर जी का चमत्कार। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा मन मान सरोवर के समान स्वच्छ, शांत और निर्मल होगा तथा उसमें भगवान प्रकट होंगे। वह समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र आने वाला, यानी सद्गुरु आश्वासन दे रहे हैं कि ये 100% पक्का है। तो हमारे पास है 7-8 मिनट। तो महर्षि ने इस प्रसंग में बताया है कि उद्धव ब्रजगमन की जिस प्रसंग में महर्षि ये बात बता रहे हैं, यानी जहाँ से ये पृष्ठ लिया गया है, तो वहाँ उद्धव जी नंद बाबा को और यशोदा जी को बता रहे हैं कि उद्धव जी ने देखा यदि इस समय हम ईश्वर की बात करेंगे, मतलब पहले तो ज्ञान के द्वारा और ईश्वर जो हैं है ना उनका कितना बड़ा सामर्थ्य है, यानी जो आप जिनको अपना पुत्र मान रहे हैं और जिनके लिए आप दुखी हो रहे हैं है ना, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के उत्पत्ति स्थिति और पालन करने वाले हैं। अब नंद बाबा यशोदा को ये सब नहीं पता है ना, और ये सब बातें उनको पसंद भी नहीं है नंद बाबा और यशोदा को। ये बात महर्षि ने बताई है कि वसुदेव और देवकी ने तो जब वो कान्हा जन्म हुआ जेल में तो चतुर्भुज रूप देखा, उनको तो पता था कि ये भगवान है, और नंद बाबा यशोदा को ये नहीं पता था, उनका तो ये हमारा बेटा है यही पता था। इसीलिए ये अद्भुत लीला है भगवान की कि असली प्रेम तो इनको अपने माता पिता से नहीं मिला, नंद बाबा और यशोदा से मिला। तो इसलिए वो उद्धव जी विचार कर रहे हैं कि ईश्वर की बात कहने से तो काम नहीं चलेगा, तो फिर कहते हैं कि वो आवेंगे। तो आगमिष्यति ये जब कहा तो थोड़ा इनको धैर्य हुआ। तो उसी संदर्भ में महर्षि बता रहे हैं, जैसे आज महर्षि ने हम लोगों का आश्वासन दिया कि हमारे जीवन में भी वो जरूर जो हम चाह रहे हैं वो होगा, पर उसके लिए जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी शर्त है, और वो शर्त क्या है वो सुन लीजिए। इसी श्लोक में उद्धव जी ने भगवान के बारे में कहा कि वे सात्वताम पति ही। तो सात्वताम पति का अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण सात्विकों के रक्षक हैं। अगर आप अपने धर्म के पक्के हैं तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। जो भी धर्म, हम सन्यासी हैं, हमारा सन्यास धर्म है, आप लोग गृहस्थ हैं, आपका गृहस्थ धर्म है, शुभम जो है ब्रह्मचारी है ना, उसका ब्रह्मचर्य धर्म है। तो जो जिस धर्म में है और जिस वर्ण में है, कोई ब्राह्मण है ना,
तो यहाँ तो हमारे गर्ग जी वैश्य हैं, तो जो जिस आश्रम का है और जो जिस वर्ण का है वो वर्णाश्रम धर्म पहले से ही शास्त्रों में निश्चित हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि यदि कोई धर्मात्मा बनकर धर्म की रक्षा करे तो धर्म की रक्षा अवश्य होगी। हम चाह रहे हैं कि भाई हम तो स्वयं अधार्मिक बने रहें और हम समझें कि भाई समाज में धर्म बना रहे, तो संभव नहीं। पहले हमको धार्मिक बनना पड़ेगा। भगवान हमें बचाने के लिए नहीं आए यह कहते तो हो, महात्माओं के पास ये शिकायत आती है, महाराज हम तो इतना सत्संग कर रहे हैं, है ना, इतना सब भगवान का भजन कर रहे हैं, कष्ट आया, भगवान तो आए नहीं। तो महाराज कह रहे हैं भगवान हमें बचाने के लिए नहीं आए ये कहते तो हो, लेकिन भगवान कैसे आवें? वे तो वास्तव में जो धर्मात्मा हैं उनकी रक्षा करते हैं। यानी वर्णाश्रम धर्म का इतना महत्व है, सामान्य धर्म जो है सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य है ना, अस्तेय परिग्रह, ये तो है ही है सबके लिए, पर वर्णाश्रम धर्म की भी बहुत ज़बरदस्त महिमा है। तो जितने अंशों में, क्योंकि यथाशक्ति करना है, कलयुग है, पूर्ण रूपेण कोई नहीं कर पाएगा, पर जितना हमसे बन रहा है हम कोशिश करके कोई भी पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए महाराज जी ने यहाँ एक दृष्टांत दिया, वही बता के मैं पूरा करता हूँ। हमारे एक मित्र यहीं बम्बई में व्यापार करते थे, तो एक दिन उनके व्यापार में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि यदि कल रुपये नहीं चुका सकेंगे तो दिवाला निकल जाएगा। वे पूजा घर में चले गए, मतलब महाराज जी जानते थे, बड़े धार्मिक थे, सात्विक थे। तो यहाँ भगवान उद्धव जी कह रहे हैं कि जो धार्मिक है उनकी रक्षा भगवान करते हैं। तो ये प्रसंग सच्ची घटना है, उसको महाराज जी सुना रहे। पूजा घर में चले गए और प्रार्थना की कि हे प्रभु अब इज्जत बचाओ। प्रार्थना करते करते रात के 10 बज गए। वे उठे और नंगे पांव नंगे सिर वहीं बम्बई में सड़क पे निकल पड़े। रास्ते में मोटर में आते हुए एक सेठ की नज़र उन पर पड़ी। अब वो सेठ इनको जान रहा था, और समझ नहीं पाए कि आज ये सेठ ऐसे नंगे पांव और कैसे जा रहे हैं। तो उन्होंने मोटर रोक ली और पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो अब देखिए भगवान ने पूजा घर में क्या उनको प्रेरणा दी। वो उनको क्या कहते हैं, बोले हमको तो ख्याल ही नहीं रहा कि यहाँ कैसे आ गया। हाँ अपनी चिंता बताई, मुझे एक बात की बहुत फिक्र है, उसी फिक्र में मैं चल पड़ा। तो उसने पूछा मोटर वाले ने कि क्या फिक्र है? तो इतने रुपए मुझको चाहिए, नहीं मिलेंगे तो बस मेरा दिवाला निकल जाएगा। तो संक्षेप में वो कार्य हो गया। तो अब जो कार्य हो गया, यानी वो दिवाला उनका बच गया, महर्षि कह रहे हैं कि वे आज भी जीवित हैं, यानी ये जो प्रसंग सुनाया जा रहा है तो वो है। मैं ये कह सकता हूँ, महर्षि का ये वाक्य देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि वे सात्विक हैं, इसीलिए भगवान ने उनकी सुन ली और उनका दिवाला होते होते बच गया। तो यह महर्षि कह रहे हैं कि भगवान हमें बचाने के लिए नहीं आए ये कहते तो हो, लेकिन भगवान कैसे आवें? वे तो वास्तव में जो धर्मात्मा हैं, सात्वत हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ये एक बहुत मुख्य बात है सत्संग करने वालों के लिए, कि हम पाप कर्म भी करते जाएं जानबूझकर, है ना, अनजान में हो तो उसमें कोई बात नहीं, वो क्षम्य है, और हम जान रहे हैं कि ये गलत काम है और फिर भी लोभ के कारण है ना कर रहे हैं, तो गलत है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।